सो गाइस सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रांसफॉर्मर का जो प्लग है उसे प्लग इन कर लेते, स्विच ऑन कर दिया। एज यू कैन सी कि एलईडी इंडिकेट कर गया है। मल्टीमीटर ले लिया मैंने, यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 16 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि काफ़ी है बैटरी को चार्ज करने के लिए। मैं यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने खुद से बनाया था, उसका वीडियो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी कि 11.75 वोल्ट है, ध्यान में रखना ये वोल्टेज। अब मैं इसे बैटरी को चार्ज पर लगा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं डायोड को टच करके देख रहा था कि हीट हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 एम्पियर का डायोड यूज़ किया है, इस कारण कि हीट नहीं हुआ है। अब मैं आप लोगों को बैटरी का वोल्टेज चेक करके दिखाता कि कितना बैटरी चार्ज हो चुका है। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12.5 वोल्ट है। इससे पहले हमारा बैटरी 11.57 वोल्ट के समथिंग था, 74 वोल्ट के समथिंग था। अगर आप अपने बैटरी के लिए ऑटो कट सर्किट बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला वीडियो जरूर से देखना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।